सौरभ गांगुली की बायोपिक बनाएंगे करण जौहर, ऋतिक रोशन निभाएंगे मुख्य किरदार। पिछले कुछ समय में कई खिलाड़ियों पर बायोपिक बन चुकी है और काफी सफल भी रही हैं। मोहम्मद अजहरुद्दीन, एमसी मैरी कॉम, महेंद्र सिंह धोनी और संदीप सिंह पर बायोपिक बन चुकी है। इसके अलावा इस समय भी कई अन्य खिलाड़ियों पर बायोपिक का काम चल रहा है। अब चर्चा है कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर करण जौहर, पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान और बीसीसीआई चीफ सौरभ गांगुली की बायोपिक बनाने पर विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि संभव है कि सौरभ गांगुली का यह किरदार ऋतिक रोशन को मिल सकता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि सौरभ खुद कह चुके हैं कि वे ऋतिक को पसंद करते हैं और अगर उनकी बायोपिक बने तो उसमें ऋतिक रोशन को ही लीड रोल में कास्ट किया जाए। इस बारे में ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ऋतिक को सौरभ गांगुली के किरदार में देखना दिलचस्प होगा। ऐसा माना जा रहा है कि यदि यह फिल्म बनी तो बहुत सफल होगी, क्योंकि जहां गांगुली का मैदान के अंदर प्रदर्शन जितना धमाकेदार रहता था, वहीं मैदान के बाहर उनका नाम कई विवादों के साथ जुड़ा रहा है। सौरभ को हमेशा दादा कहकर पुकारा जाता है, इसलिए ऐसा माना जा रहा है कि इस फिल्म का नाम दादागिरी होगा। इस रिपोर्ट के आने के बाद यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि फिल्म में सौरभ गांगुली का किरदार कौन बॉलीवुड एक्टर निभाएगा। इससे पहले ऐसी खबरें भी आई थी कि एकता कपूर भी सौरभ गांगुली की बायोपिक बनाने में इंटरेस्टेड हैं। सौरभ ने भी मानना था कि एकता ने उनसे इस बारे में संपर्क किया था, लेकिन इस मामले पर आगे बात नहीं बढ़ी थी। अब देखना होगा कि सौरभ के फैंस को यह बायोपिक कब देखने को मिलती है।